लॉ मेकर है, दे आर क्रिमिनल। 75% हमारे लॉ मेकर क्रिमिनल हैं और वो लॉ मेकर हैं। आज वो लॉ मेकर कानून बनाते हैं जिसका हम लोग पालन करते हैं। इस तरह की समस्या हमारा कोलैप्स जो है, हमारा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। एक थप्पड़ अगर किसी को आप मार दिए और केस हो गया थाना में, तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 2-3 लाख रुपया खर्च होता है, तब जाके कहीं फाइनल होता है। तो समझिए कि यहाँ के किसी भी गरीब व्यक्ति पर केस हो गया तो उसका थरिया, लोटा, गहना, घर, मकान, जमीन, खेत से यहाँ तक कि अपने भी उसका गुलाम हो जाता है, बिक जाता है। ये जो बस चलती में निर्भया कांड में जो रेप किया गया, क्या वह रेपिस्ट के लिए क्या जगह नहीं बनाया जाएगा? यदि वह 5 अपराध था, सगा भाई मिलकर उनसे रेप किया, क्या वह रिमांड होम में क्या सुधर रहा? आज जो पूरे हिंदुस्तान में रिमांड होम की जो समस्याएं हैं, क्या वहां की रिमांड होम की लड़कियां बाहर जाती हैं और बाहर से गेस्ट को बुला के उसमें रेप किया जाता है? जेलों की संख्या बढ़ाई जाए, अधिक से अधिक जेल बनाने का बजट बनाया जाए, तो ये शो कर रहा है कि आने वाले दिन में वर्तमान सरकार तानाशाह की तरफ बढ़ेगी और इनके इनके खिलाफ जो भी बात, जहां भी आवाज़ जनता उठाएगी, गरीब जनता, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड माइनॉरिटी समाज के लोग अपने अधिकार के लिए जब आवाज़ उठाएंगे, तो इनका प्लानिंग है कि हम करोड़ों की संख्या में ऐसे लोगों को जेल में ठूस देंगे। सजा 2 महीना 3 महीना 4 महीना की होती है। और जो भारी से भारी क्राइम करने वाले ऐसे कुछ विधायक भी हैं जो रेपिस्ट हैं, जो सफेदपोश क्रिमिनल हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े क्राइम करते हैं, उनके जगह छोटे छोटे क्राइम वाले को साथ में देने से होता क्या है कि छोटा अपराध करने वाला व्यक्ति वहाँ से जब उस जेल से निकलता है तो वह एक जेल से बड़ा अपराध प्रकार और जेल के मामले वह प्रोफेसर हो जाता है अपराध करने के मामले में। कहाँ वहाँ पर हमारा जो क्रिमिनोलॉजी है वह फेल करता नजर आता है। हम मधेपुरा जेल का वहाँ 80 कैदी का रहने का है, लेकिन आज वर्तमान वहाँ 1200 कैदी रह रहा है। क्या यह सही है? कदम होना चाहिए। यदि जेल के बगल में जमीन यदि बिहार सरकार का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे बिहार सरकार का हो, तो उसको ट्रांसफर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जेल का बड़ा करने का प्रावधान होना चाहिए। डीजीएम के यहाँ से लेकर रिजेक्ट होता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से होता है, फिर हाईकोर्ट आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये ऊपर नीचे होता रहता है पेंडुलम की तरह से। एक ही जज कोई किसी चीज़ को देता है बेल और एक जज जो है नहीं देते हैं, उनके बाद कहते हैं कि भाई हम इससे एग्री नहीं है, तो इस तरह से करके वो कितने लोग परेशान है, खास करके जो है दलित ओबीसी माइनॉरिटीज़ के लोग परेशान हो जाते हैं इस मामलात में। क्या ये सही है कि आप जेल में रहने का संख्या 4 है और वहाँ आप 14 भर दिए हैं? एक तो उनको खाना पीना का भी दिक्कत होगा, उनका रहने को भी दिक्कत होगा, और इस पर बात नहीं होती है, बात दूसरे मुद्दों पर होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर एक आम आदमी को हाईकोर्ट में केस लड़ना होगा तो उनके पास कितना पैसा होना चाहिए? देखिए, हम हाईकोर्ट में केस लड़ने की बात तो पहले नहीं करेंगे। सबसे पहले मूल मुद्दा जो है जेल की बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, सबसे पहले हम ये जान लें जेल का निर्माण जो है किस तरह से होता है। हमारे यहाँ आईपीसी, सीआरपीसी और जेल मैनुअल को पढ़ा जाता है जिसमें प्रोविजन है कि अपराध को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, लेकिन जेल मैनुअल से हमारा जेल नहीं बनता है। जेल बनता है अपराध शास्त्र से, जिसका एक स्पेशल पेपर कहा जाता है क्रिमिनोलॉजी, जो भारतवर्ष में बहुत अच्छी पढ़ाई होता है और उसमें रिसर्चर बैठते हैं। अपराध शास्त्र के अनुसार, इंग्लिश में उसको क्रिमिनोलॉजी कहते हैं, उसके अनुसार जेल का जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वह इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें कि कम अपराध वाले व्यक्तियों को एक खुले मैदान की तरह, जैसे स्टेडियम की तरह रखना चाहिए, जो छोटे छोटे सेक्शन में होते हैं जिनकी सजा 2 महीना 3 महीना 4 महीना की होती है। और जो भारी से भारी क्राइम करने वाले ऐसे कुछ विधायक भी हैं जो रेपिस्ट हैं, जो सफेदपोश क्रिमिनल हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े क्राइम करते हैं, उनके जगह छोटे छोटे क्राइम वाले को साथ में देने से होता क्या है कि छोटा अपराध करने वाला व्यक्ति वहां से जब उस जेल से निकलता है तो वह एक जेल से बड़ा अपराध प्रकार और जेल के मामले वह प्रोफेसर हो जाता है अपराध करने के मामले में। कहाँ वहाँ पर हमारा जो क्रिमिनोलॉजी है वह फेल करता नजर आता है। राष्ट्रपति महोदया को ये भी ध्यान में रखना चाहिए, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये भी ध्यान में रखना चाहिए, खास करके मैं लॉ मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ रिजू जी को, कि आप जो है क्रिमिनोलॉजी को थोड़ा सा ढंग से पढ़ें और ना हो तो किसी विशेषज्ञ को ले आवें, ताकि एक जेल निर्माण जो है वह बहुत वही सही कदम है, बनना चाहिए जेल निर्माण। जहां मान लेते, एक छोटी सी मैं उदाहरण देता हूं मधेपुरा जेल का, वहां 80 कैदी का रहने का है, लेकिन आज वर्तमान वहां 1200 कैदी रह रहा है। क्या यह सही है? कदम होना चाहिए। यदि जेल के बगल में जमीन यदि बिहार सरकार का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे बिहार सरकार का हो, तो उसको ट्रांसफर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जेल का बड़ा करने का प्रावधान होना चाहिए। जहाँ की हमारा बड़ा क्राइम होता है, जैसे मर्डर केस होता है, आपको रेपिस्ट की बात होती है,
बहुत सारे ऐसे क्राइम है जो एक साथ रहने से उनकी जो फलाफल जो है वह अच्छा नहीं होता है, चेन बन जाता है, वह करने का एक गुनाह का एक अड्डा बन जाता है, रास्ता बता दिया जाता है कि आप ऐसे करोगे ऐसे करोगे। मैं एक उदाहरण देता हूं निर्भया कांड का, ये जो बस चलती में निर्भया कांड में जो रेप किया गया, क्या वह रेपिस्ट के लिए क्या जगह नहीं बनाया जाएगा? यदि वह पांच अपराध था, सगा भाई मिलकर उनसे रेप किया, क्या वह रिमांड होम में क्या सुधर रहा? आज जो पूरे हिंदुस्तान में रिमांड होम की जो समस्याएं हैं, क्या वहां की रिमांड होम की लड़कियां बाहर जाती हैं और बाहर से गेस्ट को बुला उसमें रेप किया जाता है? क्या रिमांड होम की यही कारण हो गया? ये सारा जो है जेल मैनुअल आईपीसी सीआरपीसी में इस तरह की घटनाएं होती रहती है, उससे बदला नहीं जा सकता। बदला जा सकता है हमारे यहाँ क्रिमिनोलॉजी से, अपराध शास्त्र से। अपराध शास्त्र से ही हम पैरोल की बात करते हैं, अपराध शास्त्र से ही हम समाज को कैसे एक अच्छा विचार दिव्य दिमाग का समर्थन गठन कर सकते हैं। हम अपराध शास्त्र से ही अपराध ना हो उसकी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जेल बनना चाहिए। जेल बनाने का जो कंस्ट्रक्शन है वह बड़ा होना चाहिए, जिसमें कि वह सुधारगिरी होना चाहिए। वहां पर से बैठकर जिस तरह आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, सेंट्रल जेल भागलपुर में, वहां एक बहुत बृहद पैमाने में जेल बनाया गया है, जहां पर कैदी को सुधार कर उसके श्रम का भी उत्पादन करके उनको परिवार के लिए भेजा जाता है, वहां पर उसको मजदूरी मिलती है। यहां रुकेंगे, राष्ट्रपति जी कह रही हैं कि जेल बनाने की जरूरत क्या है, जेल क्यों बनाया जाए, क्यों ना अब इतना विकास हो रहा है तो जेल क्यों बनाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, विकास तो इतना हुआ है कि हमारे यहाँ जो अमेरिका है, रसा है, चीन है, वहाँ भी विकास हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा विकास भारत में नहीं हुआ है। वहाँ भी जेल की प्रोविजन है, जेल होना ही चाहिए। जेल नहीं होने से, छोटा छोटा क्राइम करने के बाद आदमी का जेल से नहीं बनने से, आप उसको कहते हैं कि उसको मॉरल हाई हो जाएगा और बड़ा क्राइम कर बैठेगा। सुधार के लिए एक जेल होना बहुत जरूरी है, और यह जो है जेल ना होने से छोटी क्राइम को बड़ी क्राइम का अंजाम दे सकते हैं। वो उस डेटा पे बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे मोटे क्राइम किए हुए हैं, कोई कुछ खा रहे हैं, कोई किसी को हाथ मार दिया, उनको बड़ा धारा लगा करके जेल भेज दिया गया, अब वो छुड़ाने नहीं जा रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। हम इस विषय पर बात करना चाहते हैं। देखिए, ये तो बहुत बड़ी मुद्दा है कि जिनके पास अब हो गया कि एक सिस्टम कोलैप्स करना, ये सिस्टम तभी कोलैप्स कर ये हो सकता है कि जब कानूनविद वहाँ पर बैठेंगे, हमारी भागीदारी पार्लियामेंट और विधानसभा में हमारी भागीदारी होगी, डॉक्टर का, इंजीनियर का, वकील की जब भागीदारी होगी, तो इस प्रकार की समस्याएं और इस तरह की सेक्शन नहीं लग सकता है। जो वहाँ पर लॉ मेकर है, दे आर क्रिमिनल, 75% हमारे लॉ मेकर क्रिमिनल हैं और वो लॉ मेकर हैं। आज वो लॉ मेकर कहना कानून बनाते हैं जिसका हम लोग पालन करते हैं। इस तरह की समस्या, हमारा कोलैप्स जो है, हमारा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। इस सिस्टम को बचाने के लिए अधिवक्ता समाज को यदि आप विधानसभा और पार्लियामेंट में आप लाते हैं, चाहे विधान परिषद में लाते हैं, राज्यसभा में एक वकील को भेजते हैं, तो उनकी जो एक गरिमा होती है, उनकी जो एक लेवल होती है, वह बहुत ही अच्छा और ब्रॉड गेज का उनके ब्रेन होती है, सोच होती है, तब छोटे छोटे क्राइम को करने से, वो हीनियस क्राइम करने से डरते हैं। एक अंतिम हमारा सवाल है सर, उस पर हम बात जरूर करना चाहेंगे। हम फिर एक दोबारा सवाल दोहरा रहे हैं कि अगर एक आम आदमी, हमें हमारा कोई केस हाईकोर्ट में चल गया, तो हमें बेल लेने में या उस केस लड़ने में कितना पैसा खर्च होगा? डायरेक्ट हाई कोर्ट तो आना नहीं है, एक प्रोविजन एंटीसिपेटरी बेल में ही हाई कोर्ट आ सकते हैं, बाकी तो आपको लोअर जुडिशरी से आना पड़ेगा। तो उसके पास तो खाने के, बीपीएल परिवार का से कनेक्टेड है, उसके पास तो खाने के पैसे नहीं है, मुँह मांग फीस कोई फिक्स नहीं है, फीस तो मुँह मांगा है जितना है। सरकारी एवरेज रेट क्या बताया जाए? एवरेज रेट लोअर कोर्ट में जाए तो कम से कम केस खत्म कर यहाँ 1 लाख से ऊपर खर्च हो जाएंगे, नीचे से ऊपर। तो हमको कहना है कि 1 लाख रुपया तो हमको कहना, देखिए जेल तो होना चाहिए, नहीं तो क्राइम में हैबिचुअल हो जाएगा, लेकिन अगर 2 साल से पनिशमेंट है, 2 साल का, 4 साल से पड़ा है, तो उसको एक स्पेशल कमेटी गठित करके उसको रिहा कर देना चाहिए। भ्रष्टाचार इतना है कि काले के सामने, भ्रष्टाचार इतना है कि उसको खत्म करना बड़ा मुश्किल है। किसी भी केस को खत्म कराने के लिए नीचे से, यानी कि सीजीएम के यहाँ से लेकर रिजेक्ट होता है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से होता है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये ऊपर नीचे होता रहता है पेंडुलम की तरह से। एक ही जज कोई किसी चीज़ को देता है बेल, एक जज जो है नहीं देते हैं, उनके बाद कहते हैं कि भाई हम इससे एग्री नहीं है, तो इस तरह से करके वो कितने लोग परेशान है, खास करके जो है दलित ओबीसी माइनॉरिटीज़ के लोग परेशान हो जाते हैं इस मामला में, और परेशानी झेलनी पड़ती है गरीबों को, यतीमों, ये क्या कहते हैं, गरीब और शेड्यूल कास्ट टाइप ओबीसी माइनॉरिटीज को, तो इस तरह से सब प्रताड़ित किए जाते हैं और परेशानी होती है। इसलिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लागू होनी चाहिए और कंपटीशन के जरिए जो है बहाली होनी चाहिए, ताकि जो है, हाँ, ये राष्ट्रपति का जो बयान आया है, एक और बहुत बड़ा इशारा कर रहा है, वो तानाशाह की तरफ देश जा रहा है, इसका भी इशारा है। जेलों की संख्या बढ़ाई जाए,
अधिक से अधिक जेल बनाने का बजट बनाया जाए, तो ये शो कर रहा है कि आने वाले दिन में वर्तमान सरकार तानाशाह की तरफ बढ़ेगी और इनके इनके खिलाफ जो भी बात जहां भी आवाज जनता उठाएगी, गरीब जनता, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड, बैकवर्ड माइनॉरिटी समाज के लोग अपने अधिकार के लिए जब आवाज उठाएंगे, तो इनका प्लानिंग है कि हम करोड़ों की संख्या में ऐसे लोगों को जेल में ठूंस देंगे और हम तानाशाह की तरह इस देश में राजतंत्र चलाएंगे। आपको याद होना चाहिए कि भारत में आज भी अंग्रेजों का दिया हुआ पुलिस मैनुअल है, अंग्रेजों का दिया हुआ यहाँ पर कानून चल रहा है, और अंग्रेज जो कानून बनाए थे दमनकारी कानून था, भारतीयों पर दमन करने के लिए बनाया था। एक थप्पड़ अगर किसी को आप मार दिए और केस हो गया थाना में, तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 2-3 लाख रुपया खर्च होता है, तब जाके कहीं फाइनल होता है। तो समझिए कि यहाँ के किसी भी गरीब व्यक्ति पर केस हो गया तो उसका थरिया, लोटा, गहना, घर, मकान, जमीन, खेत से यहाँ तक कि अपने भी उसका गुलाम हो जाता है, बिक जाता है। तो ये बहुत गलत काम हो रहा है, और ये जो सरकार का इंटेंशन है कि जेल का बजट बढ़ाओ, जेल बनाओ, ये करो, ये बिल्कुल तानाशाह की ओर ले जाने का इंगित है। इसी पर महामहिम राष्ट्रपति ने इशारा किया है। जी, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, और अभी हमारे जो सीजे आई हैं उनका भी है कि लोग कोर्ट तक नहीं, कोर्ट उन तक पहुंचेगा, इसकी कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति का बयान जेलों के ऊपर भी था, उनका जो भाषण था उसमें उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि जेलों में स्थिति बहुत ही बदतर है लोगों की, और लोग जेलों में ऐसे ही ठूसे जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो सरकार है, ये सरकार सारे मौलिक अधिकारों को कुचलने में लगी हुई है। हमारा राइट टू एक्सप्रेशन है, लोगों को मौलिक अधिकार मिला हुआ है, लेकिन जो भी पत्रकार या कोई वकील कोई भी बोलने की कोशिश करते हैं, जो सत्ता के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, तो उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है UAPA और देशद्रोह का मुकदमा लगा करके। इस तरह से सरकार तो जेलों की संख्या, जेलों में लोगों की बढ़ोतरी करना चाहती है, लोगों को चाहती है कि जेल में ही ठूस दें, उनको रोजगार के लिए लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो उन पर भी मुकदमा लाद दिया जाता है। इस तरह से लोग जेलों में ठूस दिए जा रहे हैं, तो सरकार की यही योजना है, लेकिन हम लोग ये सब नहीं होने देंगे। और अभी जो नए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए हैं उनसे हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, और जो राष्ट्रपति का भी जो भाषण था अभी, वो भी संविधान दिवस के अवसर पर, तो काफ़ी अच्छा लगा, लोग सराह रहे हैं, उनकी चिंता दिखी। वो एक आदिवासी समुदाय से गई हुई हैं, तो उन्होंने खुद वो सब पीड़ा भुगती है और उन चीज़ों से वाकिफ हैं, इसलिए उनका दर्द वो उभरा था। और हम लोग भी माननीय राष्ट्रपति जी की चिंता से हम लोगों को एक उम्मीद जगी है, और CJI से भी हम लोगों को उम्मीद है। राष्ट्रपति जी के बयान पर आपकी क्या राय है? लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें बहुत तार्किक की हैं, और यहाँ तक उनके बारे में जो कहा जा रहा था कि वो बोल नहीं पाएंगी, मूर्ति हैं, लेकिन उन्होंने बहुत पॉइंटेबल बात की है, और इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।